हेलो गाइस, चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर सीरियस है। क्या आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर सीरियस है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द टावर, किंग ऑफ पेंटेकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो क्या आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस है? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर थोड़े तो कैजुअल माइंडेड है। ये कभी कुछ कहेंगे, कुछ टाइम के बाद कुछ और कहेंगे, कंफ्यूज कर देते होंगे आपके पार्टनर आपको। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में फाइटिंग हो जाए, आर्गुमेंट्स हो जाए, लेकिन आप दोनों की रिलेशनशिप कभी भी ऐसा नहीं कि अलग हो जाते होंगे आप दोनों पूरी तरीके से। तो इस बात को लेकर आपके पार्टनर सोचते हैं कि क्या ऐसा कनेक्शन है कि हम दोनों अलग होकर भी नहीं हो पाते हैं। अभी तो आपके पार्टनर की पूरी तरीके से फोकस है इनके लाइफ में, इनके खुद की स्टेबिलिटी पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद ही स्टेबल नहीं है। और ऊपर से आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, तो आपके पार्टनर को उनको लेकर भी कुछ डिसीजन लेनी है, कुछ प्रॉपर निर्णय पे आना है आपके पार्टनर। तो अभी तो ये आपको लेकर उतने ज़्यादा सीरियस मुझे नहीं लग रहे हैं कि आपके पार्टनर है। लेकिन हाँ, अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है तो आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ये आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको लेकर पैशनेट भी है, आपके लिए फीलिंग्स तो है इनके दिल में। ओके, ये आपको लेकर अपने माइंड में सोचते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतने ज़्यादा आपको ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है इनके लाइफ में कुछ इनके ऊपर बर्डन है। सबसे पहले उन बर्डन को इन्हें रिलीज़ करनी है, या इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको सबसे पहले पूरा करना है, उसके बाद इस कनेक्शन को लेकर डेफिनेटली ये सोचेंगे। लेकिन कैजुअल है आपके पार्टनर, इनका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कैजुअल है, फ्री माइंडेड है, ओपन है बहुत ज़्यादा, और उतने ज़्यादा इन सब चीज़ों को ये प्रायोरिटी नहीं देते हैं। कोई भी रिलेशनशिप को ये इतने ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी जो लाइफ है, सबसे पहले ये अभी जो अपने लाइफ में जिस सिचुएशन में है, जिस पोजीशन में है अपने करियर में, वो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इसको ओवरकम करने के बाद ये लव लाइफ को लेकर कुछ सोचेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान इनके माइंड में है, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। ओके, और यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सबसे पहले आपके पार्टनर उस सिचुएशन को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही आपकी तरफ कोई एक्शन ये लेंगे। ओके, आगे चलकर आपको स्टेबिलिटी इनसे मिल सकती है। ठीक है, तो अभी तो ये इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन आगे चलकर आपसे आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट ये दे सकते हैं।